सभी भाइयों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, कुछ जिलों में आज ज्ञापन भी नहीं दिया गया है और कुछ जिलों में बहुत अच्छी मेहनत की गई है अतिथि शिक्षकों द्वारा दोस्तों। और जिनको चाहिए, जो मेहनत करते हैं, वास्तव में उनके लिए कुछ मिलता है। लेकिन कुछ अतिथि शिक्षक, आज मेरे पास में फोन आया एक, शायद पता नहीं शिवपुरी जिले से था, बोल रहे थे सर हमारे इधर तो ना कुछ रैली है ना कुछ है, मैं स्कूल जाऊं ना जाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो चार लोगों को मैंने फोन भी किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर ज्ञापन भी नहीं दिया है। तो इस तरह से दोस्तों अतिथि शिक्षकों के कई जिले हैं मध्य प्रदेश में, वो सक्रिय हैं और कई सक्रिय भी नहीं हैं। आपको बताना चाहता हूँ अतिथि शिक्षक 2023 और ये सागर से बड़ा अपडेट है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्रीमान जिला कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी महोदय जिला सागर मध्य प्रदेश। विषय है स्कूल अतिथि शिक्षकों के लिए नीति बनाकर अन्य राज्यों की तर्ज पर भविष्य सुरक्षित पद स्थायित्व करने बाबत बड़ी मांग है यहां पर। और आपको बताना चाहता हूं उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश के शासकीय स्कूलों में विगत 14-15 वर्षों से अतिथि शिक्षक पूर्ण निष्ठा लगन व ईमानदारी के साथ अध्यापन कार्य कराते आ रहे हैं, जिन्होंने लगातार शासन प्रशासन के समक्ष बेहतर से बेहतर उत्कृष्ट परिणाम देकर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह है कि हमने अपने भविष्य को सुरक्षित कराने हेतु सैकड़ों बार आवेदन व निवेदन के माध्यम से प्रदेश सरकार से पद स्थायित्व तो मांगा है, किंतु आज दिनांक तक प्रदेश सरकार द्वारा हमारे भविष्य को लेकर ऐसी कोई नीति बनाकर दोस्तों कार्रवाई नहीं की गई जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। कुछ समय पहले स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा एक पत्र मुख्यमंत्री महोदय के नाम लिखा गया, जिसका पत्र क्रमांक 5070 यानी 5070 आप देख सकते हैं, स्कूल शिक्षा और 2020 दिनांक 18/11/2022 है, जिसमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य राज्यों की तरह अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने का उल्लेख है, किंतु आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ है। और दूसरा पृष्ठ क्रमांक आपको बता देता हूँ, तक उक्त पत्र में कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए महोदय करबद्ध निवेदन है कि स्कूल अतिथि शिक्षकों के लिए नीति बनाकर गुरुजी की तर्ज पर भविष्य सुरक्षित पद स्थायित्व करने हेतु संबंधित अधिकारी को उचित कार्रवाई करने के आदेश व निर्देश देने का कष्ट करें। विशेष टीप, यदि 20 फरवरी 2023 तक स्कूल अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय कर भविष्य सुरक्षित नहीं किया जाता है तो हम 21 फरवरी 2023 को भोपाल के अंदर सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इन्हीं आशाओं के साथ आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। तत्कालिक मांग, अतिथि शिक्षक जिस पद पर कार्यरत है उसे रिक्त न मानते हुए 12 माह का सेवाकाल, पद स्थायित्व, वेतन वृद्धि दुगुना किया जाए। प्रमुख मांग इंपोर्टेंट है, विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु उचित मापदंड, अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों के विभागीय पात्रता परीक्षा प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर आयोजित की जावे। अनुभव के आधार पर प्रति वर्ष अनुसार 3 अंक देकर अधिभार 10 वर्षों में 30 अंक बोनस प्रदान किए जावे। विभागीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 33% रखे जावे। सत्यन तिवारी, सागर, मध्य प्रदेश, और उनका मोबाइल नंबर भी है दोस्तों। बाकी बिल्कुल बात सही है और मैं आपको बताना चाहता हूं अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा, ये मैं कह रहा हूं दोस्तों जरूर होगा। लेकिन हमको सभी अतिथि शिक्षकों को, आज एक बहन का फोन आया, मुझे भी दुख हुआ सर यहां पर ना कोई जिला अध्यक्ष है ना कुछ है ना कुछ है, और मैंने 2-3 लोगों से कॉन्टेक्ट, हालांकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो भाइयों, ऐसे जो भी अतिथि शिक्षक आप सक्रिय हैं तो जरूर मेहनत करें, और अगर शिवपुरी का कोई अतिथि शिक्षक इस वीडियो को देख रहा हो तो जरूर कमेंट्स करें दोस्तों। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।